हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। हिंदी में टाइप करना चाहते हो तो हिंदी में कैसे लिखें अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप या अपने मोबाइल के अंदर, इंग्लिश कीबोर्ड से हिंदी में कैसे टाइप करें। आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हो या विदाउट सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हो तो आप सही जगह पर हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि हिंदी में टाइपिंग कैसे करें, हिंदी में कैसे लिखें। तो हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। जैसे आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ऑफिशियल सॉफ्टवेयर जिनके अंदर आप हिंदी में टाइपिंग करने की स्पीड स्लो है या इंग्लिश कीबोर्ड से है, वो हिंदी में टाइपिंग कैसे करें। तो विदाउट सॉफ्टवेयर भी बताने वाला हूं और सॉफ्टवेयर से भी बताने वाला हूं। आप अपने फोन से यदि आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल है। आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है और वहां पे लैंग्वेज को चूज करना है। जैसे ही आप हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से वो हिंदी टाइपिंग कर सकते हो, या जैसे जहाँ पे टाइपिंग कर रहे हो तो आप स्पेस होता है, स्पेस बार होता है, उसको काफ़ी 2 या 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना होता है। उसके बाद आप बहुत ही ईजी तरीके से है वो अपने मोबाइल के अंदर है वो हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। वैसे तो आज के टाइम में अपने लैपटॉप डेस्कटॉप या मोबाइल के अंदर हिंदी टाइपिंग करना बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि अपने मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर है वो हिंदी में टाइप कैसे करें इंग्लिश कीबोर्ड से। तो उसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर है वो कैसे आप सॉफ्टवेयर से इंग्लिश कीबोर्ड से हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो, वो भी एकदम फास्ट। कैसे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको 2 तरीके से सॉफ्टवेयर से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल क्रोम में वेब स्टोर में जाना है और वहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल इनपुट टूल्स और उसको अपने गूगल में ऐड करना है। तो मैंने यहाँ से इसको ऐड कर दिया और ये ऐड हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप जैसे हिंदी आपको टाइप करना है हिंदी में कुछ भी, तो मैं यहाँ पर गूगल इनपुट टूल्स में आऊँगा। ये मेरे ऐड है, आपके ऐड नहीं है तो आप ऐड कर लेना, ठीक है। अब इंग्लिश की जगह मैं यहाँ पे हिंदी में टाइप कर दूँगा, कन्वर्ट कर दूँगा। तो अब आप जो भी इंग्लिश में टाइप करोगे तो यहाँ पे हिंदी में टाइप होगा। जैसे मैं इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ क्या, ये देखिए कैसे। तो ऐसे बहुत ही फास्ट तरीके से आप कर सकते हो। जैसे मैं अपना जो नाम है वो लिख रहा हूँ, देखो सत्य पाल शर्मा। तो आप ऐसे है वो टाइपिंग कर सकते हो इंग्लिश कीबोर्ड से हिंदी के अंदर। चलिए बात करते हैं अब दूसरे स्टेप की। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो मैं वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इसका, तो वहाँ पे विजिट करें और सीधा अपने गूगल क्रोम के अंदर है वो गूगल इनपुट टूल्स को ऐड कर लें और आप हिंदी में वो टाइपिंग कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है वो गूगल इनपुट का जो सॉफ्टवेयर है उसका भी मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, तो आपको वहाँ पे जाके इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। यदि आपको डायरेक्ट मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है, ऊपर आप देख लेना, ठीक है। फिर भी नहीं मिल रहा है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप इसे आराम से वो डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इसको है वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड होने में जितना भी टाइम ले, 2 मिनट या 1 मिनट, उस हिसाब से आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप इसको ओपन करना है और यहाँ पे ओपन करते ही आप यहाँ पे आपको गूगल इनपुट के कुछ सॉफ्टवेयर दिखाई देंगे। तो ये फर्स्ट वाला आप जैसे इंस्टॉलेशन करोगे आपके पीसी के अंदर है वो गूगल टूल्स है वो इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो इस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपके जो विंडो के अंदर जो टास्क बार सेटिंग है वहाँ पे आपको एक इंग्लिश का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे मैंने आपको फ़ोटो दिखा रखी है उस टाइप का। तो वहाँ पे आप हिंदी सेलेक्ट करके आप इंग्लिश कीबोर्ड से हिंदी में टाइप कर सकते हो। यदि आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना चाहते और डायरेक्ट वो हिंदी में टाइप करना चाहते हो तो मैंने फर्स्ट में आपको गूगल क्रोम के अंदर बताया था, उसको ऐड करके आप वैसे टाइप कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आप मोबाइल पे।
तो दोस्तों आपके क्या है, मान लो अपने मोबाइल के अंदर आप कोई भी टाइपिंग कर रहे हो, इंग्लिश में टाइपिंग हो रही है, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पे टाइप करना है गूगल इंडिको कीबोर्ड। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको लिंक दे दूँगा नीचे, तो जाके आप वहाँ से डायरेक्ट विजिट करके डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसा आइकन है जो मैंने आपको दिखा रखा है, वैसा का वैसा आइकन है। तो मेरे से ऑलरेडी पहले इंस्टॉलेशन किया हुआ है, यदि आपके नहीं किया हुआ तो आप कर लेना, और यहाँ से इसको ओपन करना है। अब आपको यहाँ पे आना है इनपुट के अंदर, और इनपुट के अंदर ये सारी जितनी भी मैंने सेटिंग दी हुई है उसको ऑन रखना है। और अब आपको आना है लैंग्वेज इनपुट सेलेक्ट, तो यहाँ पर आपको जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर लेनी है। यदि आप हिंदी करना चाहते हो तो यहाँ से हिंदी भी ऑन कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक दिखाता हूँ कैसे। जैसे सपोज़ मैं अपने नोटबुक में आ गया और एक नया नोटबुक क्रिएट किया, तो जैसे ही देखो आप लोग हिंदी टाइप कर रहे हो या अंग्रेज़ी टाइप कर रहे हो, उसके ठीक साइड में आपको हिंदी आ रही है। तो आप इंग्लिश से टाइप कर रहे हो, जैसे मेरा नाम है, मैं अपना नाम टाइप कर रहा हूँ ऐसे TYAPAL सत्यपाल शर्मा, तो ये देखो साथ साथ में हिंदी में टाइप हो रहा है। और इंग्लिश में भी आप करना चाहो तो ये देखो इंग्लिश वाला तो साथ में आपको ऑप्शन मिल ही रहा है। तो आप इस ऐप को इंस्टॉलेशन कर लीजिए और इसे आप बहुत ही इजी और आसान तरीके से है वो हिंदी के अंदर है वो टाइपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें। धन्यवाद है।